दिस वीडियो इज पावर्ड बाई इतना सस्ता डॉट कॉम, इससे सस्ता नहीं मिलेगा, चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं टेक प्राइम। आज के सबसे पहली खबर और बुरी खबर है यूट्यूबर्स के लिए है, यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए है। अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हैं, तो थोड़ी सी दुखद खबर आपके लिए हो सकती है। यूट्यूब 2018 में एक नए मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेकर सामने आ गया है। अगर 20 फरवरी 2018 तक आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर नहीं है पिछले एक साल के अंदर में, और 4000 वॉच टाइम यानी 4000 मिनट वॉच टाइम अगर आपके चैनल पे नहीं है पिछले एक साल के अंदर इन 20 फरवरी तक में, तो आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन नहीं आएगा, ऐड आना बंद हो जाएगा। ऐड नहीं आएगी तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। अगर आपके चैनल पे पहले से भी मोनेटाइजेशन ऑन है तब भी ये हो सकता है, क्योंकि ये नए क्रिएटर्स और पुराने क्रिएटर्स दोनों के लिए थोड़ी सी दुखद खबर है। तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा दुखद निराश करने वाली बात है। अब देखो यार, एक महीने के अंदर में जिनके मान लो 300-400 सब्सक्राइबर है, वो कहाँ से 700-800 सब्सक्राइबर लिया है, 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करेंगे। चलो सब्सक्राइबर की छोड़ो, वॉच टाइम की बात करते हैं। 4000 मिनट वॉच टाइम, देखो वॉच टाइम तो मैं बोलूँगा कि वो कंप्लीट कर भी लेंगे, क्योंकि अपने दोस्तों को, घर वालों को अलग अलग नंबर से, अलग अलग आईडी से, अलग अलग आईपी एड्रेस से, अलग अलग नेटवर्क से, अगर वो एक ही वीडियो को भी 4 बार 5 बार 10 बार भी देखते हैं, तो चलो वॉच टाइम 4000 मिनट, चलो एक महीने का टाइम वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना आई थिंक थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो सब्सक्राइबर कैसे भी आपके अपने रिश्तेदार के हो, दोस्त के हो, या फिर आपके, लेकिन एक आईडी से तो आप एक ही बार सब्सक्राइब कर पाएंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा एक महीना का। आई थिंक कम से कम 6 मंथ का टाइम देना चाहिए था, ताकि वो 6 मंथ में कुछ हार्ड मेहनत करके 1000 सब्सक्राइबर का जो सफर है वो पूरा कर ले। मैं अपने चैनल की बात करूं तो यार मुझे याद है यार, स्टार्टिंग के 1000 सब्सक्राइबर लेने में खैर मुझे भी 4-5 महीने लग गए थे। 4-5 महीने तो कम से कम लग ही जाता है, अब जो स्टार्टअप कर रहा है उसके लिए कहां से पॉसिबल ही नहीं होगा, सवाल ही नहीं कि 1000 सब्सक्राइबर कर ले। निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बहुत दुखद की बात है। चलिए इसके बाद अगली खबर रिलायंस जियो की तरफ से आ रही है। देखो भैया, रिलायंस जियो का 149 का पैक तो आपको भी पता है, जो रिलायंस का जो फीचर्स फ़ोन 4G वाला जो फ़ोन था उसमें 153 का एक रिचार्ज हुआ करता है, जहां पे 500 MB डेटा रोज़ का मिलते थे, कॉलिंग वॉलिंग फ्री होती थी वगैरह वगैरह, जो थे SMS वगैरह वही मिलते थे। लेकिन इसको अब रिवाइज करके 1 GB डेटा रोज़ कर दिया गया। निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है, 1 GB डेटा रोज़ कर दिया, चूंकि 153 और 149 प्राइस तो लगभग एक ही है, 2-3-4 रुपये का अंतर है, लेकिन हम डेटा की बात कर रहे हैं तो 500 MB और 1 GB का जो डिफरेंस था वो काफ़ी डिफरेंस था, अब इसको बराबर कर लिया गया। अगर आप इंटरनेट को अपने टीवी से कनेक्ट करते हैं ना, तो आई थिंक आधा घंटा भी नहीं टीवी चलेगा। मैं तो अपने बड़े वाले Full HD टीवी में अगर इंटरनेट कनेक्ट करता हूं अपने एंड्रॉइड टीवी बॉक्स से, तो आई थिंक 5 मिनट भी नहीं चलता और 1 GB डेटा ऐसे खत्म हो जाता है। क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी हाई होगी, Full HD होगी, 4K टीवी होगी, तो आपको डेटा तो बहुत जल्द जाएंगे जाएंगे। इसके बाद अगली खबर Xiaomi की तरफ से आ रही है। मैंने कल बताया कि Xiaomi के 27 स्मार्टफोन वैसे आ चुके हैं जिनमें MIUI 9 का अपडेट मिल चुका है। मैं आपको बता दूं कि Xiaomi कंफर्म कर दिया कि Xiaomi के टोटल 40 स्मार्टफोन ऐसे हैं जहां पे MIUI 9 का अपडेट मिल गया, जो कि अब Xiaomi के जो पॉपुलर फोन है जैसे Redmi Note 4, जैसे Xiaomi Mi Mix 2, Mi Max 2, और Xiaomi के Redmi 4, 4A वगैरह जो Y1 Lite MIUI 9 पे तो आ ही आए थे। अब Xiaomi के MIUI 10 भी आने वाले हैं जून जुलाई तक, देखते हैं। और वैसे आपको मैं बता दूं कि 4400 फोन के लिस्ट मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, क्या पता आपका भी Xiaomi का उसमें फ़ोन है, तो हो सकता है कि आपको MIUI 9 का अपडेट मिल रहा होगा या फिर आ गया होगा। इसके बाद अगली खबर देने से पहले वीडियोस को कर दीजिए लाइक, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। हाइक ने एक नया फीचर्स हाइक टोटल कर दिया लॉन्च, यहाँ पे बिना इंटरनेट के भी आप हाइक मैसेंजर के थ्रू किसी को हाइक से पैसा वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, फ़ोन पे जो क्रिकेट के स्कोर है वो देख सकते हैं, रेलवे की इन्फॉर्मेशन वगैरह पा सकते हैं, मतलब सब काम ये कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। अब आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। कुछ अपने टेलीकॉम पार्टनर जो कंपनी हाइक के साथ, जैसे कि एयरटेल, एयरसेल, BSNL वगैरह, इस कंपनी का अगर आप सिम कार्ड यूज करते हैं तो आपको हाइक ऐसी फैसिलिटी देगी, 1 रुपये लगेंगे सर्विसेज के। अब बेसिकली ये काम करेगा USSD कोड के थ्रू, जैसे हम लोग बैलेंस देखते हैं ना, *123 हैश लाइक दैट, तो वही USSD कोड होता है, उसी के थ्रू अब आप जो है रेलवे की इन्फॉर्मेशन, कौन ट्रेन कहाँ आ रही है, क्या अपडेट वगैरह है, क्या मौसम है, क्या ज्योतिष का जो न्यूज़ व्यूज होता है जो भी है ना, वो अपडेट आप देख पाएंगे। हालांकि बहुत अच्छा अपडेट नहीं है हाइक का अपडेट, मतलब मानना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो इंटरनेट यूज़ ना भी करते उनको ये फैसिलिटी दे पाएँ। अब लेकिन देखते हैं हाइक टोटल कितना सक्सेस होता है, मुझे तो लगता है ठीक है, चलो जो लोग इंटरनेट नहीं जानते उनके लिए, लेकिन सबके लिए आई थिंक नहीं है। इसके बाद अगली खबर मैं बता दूँ कि एक सर्वे के मुताबिक आने वाले 5 साल के अंदर में सभी लोगों के पास इंडिया में स्मार्टफोन हो जाएगा, यानी अभी भी 5 साल टाइम लगेगा। यार सुन के थोड़ा लगा, मुझे लगा साल भर के अंदर में यार स्मार्टफोन सबके पास हो जाना चाहिए, मतलब मैं काफ़ी दिन से यूज करता हूँ, मुझे लगता है यार आपके पास भी है, सभी के पास है। आप अच्छा, आप मुझे कमेंट करके ये वीडियोज़ में ये बताइए कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये किस डिवाइस पे देख रहे हैं, मतलब स्मार्टफोन पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, टैबलेट में देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, या फिर अदर किसी पे देख रहे हैं। थोड़ा मैं ये जानना चाह रहा था कि आप कौन सा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं और मेरा वीडियोस किस डिवाइस में देख रहे हैं। इसके बाद अगली खबर कुछ नहीं है, बस लास्ट है डील्स ऑफ द डे।
डील्स ऑफ द डे यार मैं आज कुछ दूंगा नहीं, क्योंकि डील्स ऑफ द डे रियली में आज कुछ है नहीं। 2-3 दिन 4 दिन रुक जाओ बस, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे धनाधन सेल आने वाले हैं, तो ग्रेट इंडिया सेल को मिस मत करना और फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेल को मिस मत करना। कुछ भी खरीदना है तो 3-4 दिन वेट ही कर लो, क्या पता इस सेल में आपको काफी सारे डिस्काउंट देखने को मिल जाए। तो फ्लैगलेस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल वाली वीडियोज में, तब तक लिए बाय।